जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की विषम स्थिति के ऊपर। शनि यदि आपकी कुंडली में मेष राशि का स्थित हो तो वह जिस किसी भाव में होगा उस भाव को बिगाड़ेगा। कर्क या वृश्चिक राशि का शनि यदि आपकी कुंडली में लग्न में तृतीय भाव में, पंचम में, सप्तम में होगा तो वह भाव फल को बिगाड़ेगा, वहां विषमता उत्पन्न करेगा। शनि और मंगल की जो है किसी भी त्रिकोण में स्थिति हो या संधि में स्थित हो या युति करे, दोरी युति हो, तो यह युति जो है विषमता पैदा करेगी जीवन में। शनि राहु शुक्र के साथ में यदि केंद्र में हो या शनि की दशा में मंगल का अंतर हो तो यह जो है जीवन में विषमता पैदा करेगी। अब इस विषमता में क्या क्या रोग उत्पन्न होंगे यह हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि के प्रभाव से पक्षाघात, हाथ पैर में दर्द, शरीर में कंपन, मिर्गी रोग, मानसिक रोग, स्नायु पीड़ा तथा गठिया रोग, कैंसर, उदरवाद और राजयक्षमा रोग, विषबाधा, सूजन, उदरसूल और बार बार ऑपरेशन कराने की स्थितियां उत्पन्न होना, प्लीहोदर तथा जो है कृमि रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह रोग जो है उत्पन्न होंगे, इसलिए जो है इन सब रोगों की निवृत्ति के लिए शनि की शांति, शनि की शांति के हेतु नीलम, जामुनिया, नीली, लाजावर्त, काला हकीक आदि जो है आप धारण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।